जॉब्स इन जर्मनी? जर्मनी में जॉब्स ही नहीं है. जर्मनी इज नॉट एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है यार. लैंग्वेज इज इजी, लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. क्या बात कर रहे हो, क्या बोलूं वीडियो में? अरे जर्मनी इज एक्सपेंसिव. जर्मनी इज नॉट दैट एक्सपेंसिव ना. जर्मनी इज एक्सपेंसिव. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जर्मनी एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं, बट ऐसा नहीं है. एंड हाउ कुड यू से दैट? आई विल टेल यू टुडे हाउ अबाउट द रियल ट्रुथ, द ऑन ग्राउंड ट्रुथ ऑफ जर्मनी. Hello everyone, welcome to another episode of Yes Talks, and today we have with us Chetan, one of our alumni who is living in Germany, studying over there. And aaj hum baat karenge myths of Germany, jo sabhi ke man mein hote hain, like Germany is very expensive, wahan pe rehna bahut mushkil hai, language bahut difficult hai. So Chetan will tell us what is the truth. Hi Chetan. Hello Aarti. How are you? I'm doing well. So first of all, welcome and thank you so much for coming here today. Thank you so much for inviting. Let's start with your journey. How was your journey? How you went there and what was your experience? मैंने अपनी bachelor's करी थी पुणे से. I'm an IT engineer by education, not profession. I'm an IT engineer. Once I finished my engineering, now I was working for Byju's. It's considered to be one of the biggest unicorns in India. Mm-hmm. I was working there, but after a certain point, the entire job became stagnant. कुछ growth नहीं था. It was same all over again. तो आई डिसाइडेड कि चलो कहीं इंटरनेशनल कंट्री में चलते हैं, कहीं बाहर देखते हैं, एक नया एक्सपोजर लेते हैं. ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत सारी जगहों की रिसर्च करी. मैंने जर्मनी भी देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया भी देखा, मैंने कनाडा और यूएस भी देखा. बट जर्मनी के अलावा ये जो बाकी तीनों ऑप्शन थे, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे थे. यूएस में पढ़ाई कॉस्ट यू मोर देन 80-90 लाख. यूके में वही पढ़ाई कॉस्ट यू अराउंड 60-70. ऑस्ट्रेलिया में इट्स 50. जर्मनी में जब मेरे को पता चला कि भाई कॉलेज की फीस तो है नहीं, हर सेमेस्टर की take what Indian rupees में मैं बताऊँ तो 9-10,000 rupees a semester, which is almost nothing. बाकी jobs की बात करते हैं लोग. मैं जब से Germany में गया हूँ, मैं जब से university start करी, मैं तब से छोटी छोटी jobs करता आ रहा हूँ. Basically जैसे start मैंने किया था, I was a kitchen help in an Italian restaurant. Dishes भी धोई हैं मैंने, pizzas भी बनाए हैं मैंने, मैंने बाहर waitering भी करी है, as in host भी बना हूँ मैं कई parties में. फिर वो थोड़ा एक लो लेवल का एक्सपीरियंस लेके, फिर वहां से थोड़ा ब्रेक लेके, देन आई वेंट टुवर्ड्स इंटर्नशिप. कि भाई कॉलेज में चलो इंटर्नशिप करते हैं, लेट्स मेक दिस इंटर्नशिप हैपन. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यूरोप की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी में इंटर्नशिप करी फॉर आई गेस 3 महीना. द नेम वॉज BASF. तो मैंने वहां पे जॉब करी. 3 महीने मैंने वहां इंटर्नशिप वगैरह करके देखी. मैं उनका IT प्रोसेस वगैरह डेवलप कर रहा था, डिजिटलाइज करा दे रहा था. लेकिन वो भी फिर एक टाइम के बाद ऐसा हो गया कि मैं खुद तो अपनी जॉब कर ही रहा हूँ, बट मुझे दूसरों को ज्यादा समझाना पड़ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, विच इज नॉट फॉर मी. मेरा वो नेचर कभी रहा ही नहीं. तो 3 महीने मैंने वो वाला जॉब सेक्टर, एक बड़ी MNC वाला जॉब सेक्टर देखने के बाद, फिर मैंने थोड़ा टाइम अपने ले लिया अराउंड 2-3 मंथ्स कि मैं एक बार देखता हूँ मुझे किस तरीके की जॉब्स पसंद है. फिर मैंने एक अभी एक मीडियम लेवल SME ज्वाइन करी हुई है जिसका नाम रोड सर्फर है. मैं बहुत बढ़िया कंपनी है. मेरे टी-शर्ट यू आर वेयरिंग? हां यस. ओके, दिस इज रोड सर्फर. बेसिकली आवर जॉब इज टू सेंड पीपल ऑन रोड ट्रिप्स अराउंड यूरोप. दिस इज द लिटिल जॉब प्रोफाइल दैट वी हैव. ओके, ये सब चीजें गॉन थ्रू करने के बाद लोग कहते हैं कि जर्मनी में जॉब्स नहीं है. जैसे आप भी अभी बात कर रहे थे, हैं जॉब्स, बट जो एक मेजर फैक्टर जर्मनी में लोग भूल जाते हैं वो है कनेक्टिविटी बनाने का. जॉब्स मिलती है, बट जॉब सबसे ज्यादा आपको कब मिलती है? जब आप रेफरेंस सिस्टम यूज करते हैं. मतलब आपने कहीं आप बाहर पार्टी वगैरह गए, मे बी बार, मे बी रेस्टोरेंट और व्हाटएवर, आप वहां पे कुछ नए लोगों से मिलते हो, बातचीत वगैरह करते हो, यू टॉक अराउंड, आप उनसे कार्ड्स वगैरह एक्सचेंज करते हो. एंड व्हेनेवर यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि आपको शायद इस कंपनी में काम करना अच्छा लग सकता है और आपके पास एक रेफरेंस भी है उस चीज का, ओके, तो इट गेट्स वे इजी ना. जैसे इंडिया में यहाँ पे आपको अगर कोई नई जॉब अप्लाई करनी है, लेट्स सपोज आपके लिटरली उस प्रोफाइल के बाहर जितनी भीड़ होती है ऑफिसेज के, वो आपने देखी होगी. आई गेस दिल्ली में अभी रिसेंट ओपनिंग हुई थी एक जॉब की. मुझे याद है एक लड़के का इंटरव्यू आया था, उसने कहा था मैं 6 घंटे से ऑफिस के बाहर लाइन में खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज एक ओपन इंटरव्यू है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अगर वो चीज स्किप करनी है तो एक कनेक्टिविटी यूज कर सकते हो ना. जैसे लिंक्डइन हो गया, किसी को नए को अप्रोच किया, कोई उस ऑफिस में ऑलरेडी लगा हुआ है उसको अप्रोच करो, उससे दोस्ती वगैरह करो, उससे बेसिकली इन्फ्लुएंस हो, अपना बताओ, उसका पूछो, then you get a job. But इसमें एक कैच है कि आपको जर्मन थोड़ी सी आनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप जर्मन बिल्कुल एकदम फ्लुएंस, बिजनेस फ्लुएंसी लेके आप जर्मनी चले जाओगे तो ही जॉब मिलेगी. नहीं, ऐसा नहीं है. मेरी इंडस्ट्री जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ,
कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही है आज. हाँ. आपको जो जर्मन सीखनी पड़ेगी वो सीखनी पड़ेगी ऑन स्ट्रीट के लिए, मतलब स्ट्रीट पे काम करने के लिए. ओके. आप जनरली कैफेज जा रहे हो, आप जनरली किसी छोटे टाउन पे जा रहे हो. मेरा कॉलेज वॉज अ वेरी छोटा टाउन, वादियों में था मेरा कॉलेज, आप मानोगे नहीं. जर्मनी के पहाड़ों में था मेरा कॉलेज. हाँ. तो अब वो टाउन ही इतना छोटा था कि मेरी एक कैंपस के बाहर कोई इंग्लिश नहीं बोलता था. ओके. मैं मार्केट जाऊंगा, मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा, मैं कैफेज जाऊंगा, मैं पार्टीज पे जाऊंगा, लेकिन जहां पे मुझे सिर्फ जर्मन सुनाई देने मिलेगी, जर्मन आनी जरूरी है ना. राइट. इसी बेसिस पे भी मैंने भी जर्मन ऐसे ही सीखी. भाई जाओ लोगों से बात करो, क्लासेस लेनी है नहीं लेनी, दैट रियली डजंट मैटर जर्मनी में. आप जर्मन क्लासेस लेते हो नहीं लेते हो, मोर और लेस सिर्फ कम्युनिकेशन मैटर करती है. आप कुछ जर्मन ऐसे दोस्त बनाओ. मैंने जैसे सीखी जर्मन, मैंने अपनी इंग्लिश ट्रेड करी उनकी जर्मन के लिए. मैंने जर्मन दोस्त वहां टाउन में ही ऐसे बनाए जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे को जर्मन नहीं आती थी. सो यू गिव योरसेल्फ अ चैलेंज. या व्हाई नॉट. तो मैंने जर्मन ऑन स्ट्रीट सीखी. आपको क्लासेस लेनी है, आई गेस A1, A2, B1, B2, ये सब तो स्टैग्नेट्स बढ़ते ही चले जाएंगे एनी हाउ. आप जितना पढ़ोगे आपके पास उतनी वैल्यूज बढ़ जाएंगी. लेकिन जो आप ऑन स्ट्रीट लैंग्वेज कम्युनिकेट करना सीखते हैं, दैट इज वे बेटर. तो आपने क्लासेस नहीं ली थी? ली थी मैंने, यहाँ ली थी, लेकिन जर्मनी में मैंने एक भी क्लास नहीं. ओके. A1, A2 मैंने यहाँ से करी थी, लेकिन दैट ऑल कम्स डाउन टू स्क्वायर वन वंस यू रीच जर्मनी. आप जर्मनी पहुंच जाते, जब आपको लोग एक्चुअल टिपिकल वहां के डायलेक्ट में बात करने में सुनाई देते हैं ना, आपको कुछ समझ नहीं आता. दैट ऑल कम्स डाउन टू स्क्वायर, जानना नहीं पड़ता. सो वाज इट डिफिकल्ट एट दैट टाइम? ओ यस, इट वाज. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, पता नहीं क्यों जर्मन हमेशा इतने लंबे क्यों होते हैं, मुझे नहीं पता. जरूरत से मैं एयरपोर्ट पे खो गया था यार. मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे खो गया था, कहां जाना है मेरे को. दिखते ही बड़े बड़े थे, लेकिन उसके अलावा भी लैंग्वेज का भी हाँ एक प्रेफरेंस तो रहता ही है. एंड व्हाट अबाउट द यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस, स्टडीज कैसी थी? डिफिकल्ट? डिफरेंट. आई वोंट से डिफिकल्ट. ओके. डिफरेंट. इंडिया में हमें बताया जाता है, यहाँ पे दे से कि यू हैव अ थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट? यू आर गिवन अ बुक, द टीचर्स टीच यू द बुक. यस. एंड उस बुक के हिसाब से यू हैव टू गिव योर एग्जाम, करेक्ट? डेफिनेटली. हमारे पास यूनिवर्सिटी में, आप मानोगे नहीं, एज इन इंडिया में जहाँ पे मैंने पुणे में एजुकेशन ली थी, वहां पे हमारे पास कुछ टीचर्स ऐसे थे जो कहते थे मुझे आंसर शीट में बुक की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी होनी चाहिए. या देयर आर सम टीचर्स, थ्योरेटिकल लैंग्वेज, राइट? थ्योरेटिकल पार्ट उसका. बट इन जर्मनी ऐसा नहीं है. हम जब एग्जाम देने जाते हैं, हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस करके एग्जाम दिया जाता है. विच मीन्स अगर हमारे पास सेम क्वेश्चन है, फिर भी हर इंडिविजुअल का आंसर अलग होता है एक पॉइंट के बाद. मतलब सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि ये फोन है, राइट? अब इंडिया में अगर आप एग्जाम दोगे तो उससे ही पूछा जाएगा वजन कितना है, क्या है, क्या नहीं. जर्मनी में आपका जाएगा, मैं आपको ये फोन दे रहा हूँ, बाहर मार्केट में आप इसको कैसे कैसे यूज कर सकते. तो ये डिफरेंस आ जाता है. थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, हाँ, बिकॉज ऑफकोर्स एक लैंग्वेज बैरियर भी आता है. मैंने सुना है बच्चे बहुत मिजरेबली फेल होते हैं. हाँ, मैं भी हुआ हूँ. मैं भी हुआ हूँ. एक आधा सब्जेक्ट तो मैंने भी फेल हुआ था. अब यार देखो, अगर फेल नहीं हुए तो फिर मजा नहीं आता. To be very honest, वो एक क्या कहते हैं, motivation कहाँ से आता है फेल होने के बाद? You know, Indian students are typically, अरे बाप रे फेल हो गए. Yeah. तो वो बाहर नहीं है ना. अच्छा. इंडिया में है कि अरे तुम फेल हो गए. हाँ. कैसे फेल हो गए, तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने ये नहीं करा, तुम्हारे पैसे पर बर्बाद कर रहे हो तुम. हाँ. बहुत सारी चीजें बोलते हैं लोग. बट वहां पे इट्स मोर ऑर लेस लाइक, मेरे पास इतने सारे दोस्त हैं, उनमें से देर आर पीपल हु आर 29 ऑलरेडी इन एज, बट दे आर स्टिल इन देयर मास्टर्स, एज इन बैचलर्स, नॉट मास्टर्स, दे आर स्टिल इन देयर बैचलर्स. 29 की एज पे भी अगर बैचलर्स कर रहे तो आप लगा लो पीछे कितना ही फेल हुआ होगा इंसान, कितना ब्रेक लिया होगा, कुछ भी हो सकता है ना. ब्रेक लिया हो, फेल हुआ हो, कोई पढ़ाई का वो ना मिला हो, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, वहां पे इस बेसिस पे आपको कोई जज नहीं. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट देयर इज नो एज बैरियर. In Germany, there is no age barrier. In my master's, you won't believe, I'm the youngest in my class. Yes, I'm the youngest in my class. Everybody is older than me. I have people above 30, I have people around 30. So there is no age barrier. Because it is also a myth. Yes, exactly. Age matters. Oh, no. In Germany, age and your, how do you call it, qualification doesn't matter. Like, I studied IT engineering. अगर उसके बाद मैं जर्मनी जाके अपना कोर्स चेंज भी करना चाहता हूँ, इट्स ओपन फॉर मी, मैं कर सकता हूँ. अभी मैं IT इंजीनियरिंग नहीं कर रहा. राइट. मैंने पढ़ा IT इंजीनियरिंग, उसके बाद अब मैंने मास्टर्स में जब टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा, इट वॉज अ पार्ट की हाँ ठीक है, एक टेक्निकल वो भी है हमारे पास एक एस्पेक्ट, उसके साथ साथ मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी है. मतलब मेरे को कोडिंग भी आती है, मेरे को स्टार्टअप रन करना भी आता है, तो वो चीज मिल जाती है. एक बहुत बड़ा एक डोमेन खुल जाता है आपके लिए. As you have said, there is no qualification which matters in Germany. So, does it matter if you are studying from a public university or a private university?
honestly, the education is same for both. What you actually study in public is the same what you actually study in private also. So as per getting a job, it's not a matter of problem. It's a matter of facility. हम यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, लोग बहुत सारे बच्चे, मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, बहुत सारे अलग अलग बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़े, एंड आफ्टर दैट एक ना क्राउडेड नेचर में पढ़ने की आदत नहीं होती. अब आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हो, देर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब एवरेज स्ट्रेंथ ही क्लास की इट्स लाइक 50 क्लास, मेरी क्लास की थी. ओके, बट यही चीज आप जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो, यू गेट लेस स्टूडेंट्स. लेस स्टूडेंट इन क्लास मीन्स टीचर आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाएगा एंड व्हाट नॉट. So it completely depends on you. Main personally, mereko, I don't mind studying in a big group. Because eventually it's up to me and how I'm understanding, right? But there are people who just don't fit in those big groups. So why not? Go for private universities also. Sure, why not? It's padhai same hai. Padhai bas teacher ke dhyan dene ke upar ki baat ho jati. Private universities mein teachers may be more oriented towards you. पब्लिक में ये चीज नहीं होती. पब्लिक यूनिवर्सिटीज में टीचर्स आती हैं, पढ़ाती हैं, समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, बाद में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बट विद इन अ क्लास ऑफ 50 इट्स टू मच, राइट? इतनों की बात सुनोगे, राइट? तो ये पब्लिक और प्राइवेट जॉब्स में मैटर करता है? नहीं, मेरे से तो ऑनेस्टली मैंने अपने रेज्यूमे के अलावा आज तक किसी को बताया भी नहीं है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में हूँ. किसी ने पूछा नहीं, किसी के इंटरव्यू में कभी ऐसे आया नहीं. ऑल इट मैटर्स इज कि आपके पास नॉलेज कितनी. मैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में दोनों पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरे को उन दोनों के रिलेटेबल आता है कि मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, मैं रोड सर्फर में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग और कस्टमर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट तीनों चीजें हैंडल करता हूँ. ऑफिशियली आई एम इन बीडी बिजनेस डेवलपमेंट में, बट मैं ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. अब वो चीज मैं कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों का एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली. तो मैंने कॉलेज लाइफ में जो स्किल्स वगैरह सीखी, जितनी स्किल्स वगैरह बढ़ाई, बेशक पुणे में जो मेरी बैचलर्स रही थी वो, और यहाँ पे जो मैंने मास्टर्स करी है वो मैटर करती है आपकी जॉब में. कॉलेज आई डोंट थिंक. ओके, कॉलेज इतना मैटर नहीं. सो टॉकिंग अबाउट जॉब्स, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ जॉब इन जर्मनी? सी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉब बेसिकली इन जर्मनी. फर्स्ट इज मिनी जॉब, जो आप, जैसे मैंने बताया मैं इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था. इटालियन रेस्टोरेंट में काम करने के बाद डिशेज वॉशिंग एंड वॉट नॉट, उसमें दे गिव यू अराउंड 500 यूरोस और समथिंग पर मंथ, दैट्स द गवर्नमेंट रूल. द सेकंड इज पार्ट टाइम जॉब, जिसमें आप वर्किंग स्टूडेंट भी कह सकते हो, जिसमें आप अपनी इंडस्ट्री में काम करते हो, बट मोर ऑर लेस इट्स अ वर्किंग स्टूडेंट. तो आपको हफ्ते के सिर्फ 20 आवर्स अलाउड होता है. ओके, टू वर्क कम्स डाउन टू अराउंड 3 डेज अ वीक. ठीक है, उसके बाद आता है एक फुल टाइम जॉब, 40 आवर्स जो हम फुल टाइम काम करते हैं. इन तीनों में से सिर्फ एक मिनी जॉब ऐसी है जिसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली जर्मन सीखनी पड़ेगी. Because you have to work with the locals. Exactly. आपको locals के साथ, आपकी job would be customer centric. Right. Right. Restaurant में जा रहे हो, even if you are waiting, you have to speak to the customer in the language he is speaking. अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल पाओगे, है ना? हाँ. वो चला रहा होगा कुछ, तुम चला रहे होगे कुछ, दोनों की गाड़ी कहीं तो टकराएगी. तो ऐसे धीरे धीरे रुकते रुकते सीखते सीखते जर्मन ऐसे ही आती है. Okay. उसके अलावा पार्ट टाइम में मैं अभी वर्किंग स्टूडेंट ही हूँ अभी. आई डोंट थिंक जर्मन ऐसी नेसेसरी होती है. बोलते हैं ऑफ कोर्स, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स, ऑफ कोर्स जहाँ रह रहे हो वहाँ की भाषा बहुत अच्छी आनी जरूरी है, तभी तो आप बात कर पाओगे, तभी आप सोशलाइज कर पाओगे, राइट? अब लेट सपोज मैं कहता हूँ, दूसरा फुल टाइम जॉब की बात करते हैं. फुल टाइम जॉब में येस, आपको थोड़ी सी जर्मन वो लोग मांगते हैं. रीजन भी कि आप एक बार फुल टाइम एम्प्लॉय अगर वहाँ के बन गए, विच मीन्स आप वहाँ के रेसिडेंट बन गए, सो दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको हाँ जर्मन तो एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन के लायक आती है. राइट. नोबडी इज गोना आस्क यू अबाउट सर्टिफिकेशन और समथिंग कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं. एज लॉन्ग एज आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो वो लोकल लैंग्वेज. स्टूडेंट का ये भी होता है, लाइक आफ्टर रीचिंग जर्मनी, सी दे मेड फ्रेंड्स विच आर इंडियंस और दे लुक फॉर पीपल, इंडियन पीपल, द कम्युनिटी ग्रुप. या द कम्युनिटी ग्रुप. या what you prefer? This is gonna burn couple of minds, but okay, sure. See, for me, my personal preference would be yes, to be involved with international groups a lot. अगर मेरे को अपनी कम्युनिटी के अंदर अंदर ही पूरा टाइम रहना है जर्मनी जाने के बाद भी, फिर हिंदुस्तान छोड़ने का कोई पॉइंट नहीं था. राइट. इंडिया से मैं गया था जस्ट बिकॉज मेरे को एक्सपोजर मिले, नए नए लोग हो, फिर हम उसे बात करूंगा कैसे कैसे क्या क्या, नई लैंग्वेज सीखूंगा, कल्चर सीखूंगा, मेरा तो एस्पेक्ट होता. बट मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वहाँ पे जो सोशलाइज में बिलीव नहीं करते. दे डोंट बिलीव इन सोशलाइजिंग. आई डोंट नो व्हाई. आए हो जर्मनी, एक रीजन से आते हो आप. जस्ट मनी इज नेवर अ रीजन टू कम टू जर्मनी. जर्मनी आने का बेसिक पहला रीजन आपकी स्टडीज होती है, सेकंड होता है एक्सपोजर पूरे यूरोप का.
right. Because from Germany you get an exposure for the entire Europe. But लोग पता है नहीं करते, लोग बात ही नहीं करना चाहते, अपनी अपनी कम्युनिटी में रह जाते हैं. जैसे but why is it so like they are awkward, yes they are awkward to talk to people because somewhere some they just think कि सामने वाला जज करेगा. They think कि भाई मैं Indian mentality, of course Indian mentality कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं जाके टूटी फूटी बोलूंगा वो सामने वाला हंसेगा. इंडिया में हंसते हैं लोग, बट वहां ऐसा नहीं. आप टूटी फूटी बोलने की ट्राई करोगे, वो आपसे टिपिकल जर्मन में ही बात करेगी. आप कितनी भी टूटी फूटी बोलो, अगर उसको समझ गया तो इट्स वेल एंड गुड इनफ. वो अप्रिशिएट करते हैं यार वहां के लोग. मैं स्टार्टिंग में कौन सा, मैं पहले दिन से जर्मन एकदम रपा रप बोल जा रहा हूँ. नहीं ना, स्लो एंड स्टडी का टाइम था. मेरे को भी ऑलमोस्ट मार्केट में घूम के कितने 6-7 महीने लगे टू गेट अ फ्लुएंट लेवल इन जर्मन. लोग हेसिटेट करते हैं यार, पता नहीं क्यों ऑफवर्ड हो जाते हैं, बात ही नहीं करते. कोई लड़की दिख रही होगी सामने से, भाई सब लड़कियों से डर जाता है, कह रहे हैं मैं बात नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा भाई. वो तो इंडिया में भी डर जाते हैं यार, बट इंडिया में एटलीस्ट एक लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है. वो तो फिर आदमी की दिक्कत है. अगर इंडिया में भी बात नहीं करे तो फिर आदमी की दिक्कत है. तो मैं बात करने नहीं आती, बाहर का तो समझ सकता हूँ कि तुम्हारा एक लैंग्वेज फैक्टर है, लैंग्वेज है, जाओगे वो टूटी फूटी समझोगे, वो टूटी फूटी बताएगी, कितनी तुम्हें समझ आएगी कितनी वो समझेगी नहीं याद रहता, राइट. तो उनका डरना बनता है, बट जहाँ से रिजेक्शन आने में कोई दिक्कत ही नहीं है, लौंडे से जाके भी बात कर सकते हो आप, किसी लड़के से जाके बात कर लो. उससे तो कोई प्रपोज वपोज करोगे नहीं, जाके जनरल बातचीत ही तो करोगे. उससे ना भी जाएगा वो भगा भी देगा, तो आपका कौन सा रिश्तेदार है वो, है ना. तो ये लोग नहीं समझते. मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो अपनी अपनी कम्युनिटी के ग्रुप में रह जाते हैं, सुबह उठते हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के से फोन पे बात होती है कि हाँ भाई आज क्या बन रहा, आज क्या बन रहा, आज शाम को ये खाने में बन रहा. वो एक मील वाला ही सिस्टम रह जाता है ऑल. तो ये चीज तुम्हें कैसे समझ में आई, लाइक तुम्हें कैसे अंडरस्टैंड हुआ कि नो आई हैव टू कम आउट ऑफ माय सेल्फ. इतनी देर से बात कर रहे हो, मेरे तो अभी तक हेजिटेंट देखा किसी चीज के बारे में बात करते हो. मेरे लिए हमेशा बेसिकली ऑन पर्सनैलिटी. इट्स नॉट अ पर्सनैलिटी, इट्स हाउ यू पुश योरसेल्फ. मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं जनरली नहीं बात करता था, मेरे से इंग्लिश में बोलनी नहीं आती थी तमीज से जब मैं स्कूल टाइम में था. अपने आप को पुश करने वाली बात हो जाती है ना. मैं भी काइंड ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, यू आर गोइंग टू अदर कंट्री, आप जा रहे हो तो एक रीजन लेके जाते हो आप. हमेशा ना एक रीजन लेके जाते हो आप, कोई भी इंटरनेशनल कंट्री से ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाते. मैं गया था, मेरा सिर्फ रीजन था, वन वॉज एक्सपोजर, कि भाई मेरे को पूरा कल्चर देखना है कि कल्चर कैसा है, क्या कुछ क्या नहीं मिलता. एंड सेकेंड वॉज की हाँ ठीक है पढ़ाई कर लूंगा, मास्टर्स निपट जाएगी. मास्टर्स करते करते मैं पूरा यूरोप घूमना चाह रहा था. okay. यही था पूरा वो. अब मैं इंडियन ग्रुप के साथ वो एक कम्युनिटी वाले ग्रुप में ये चीज कर सकता हूँ, यस ट्रू, लेकिन फिर मेरे को वहां का कल्चर कैसे एक्सपोज किया जाएगा. इंडिया का कल्चर इंडियन से अच्छा कोई नहीं समझा सकता. सेम गोज फॉर जर्मनी ऑल्सो, जर्मनी का कल्चर जर्मन से अच्छा कोई नहीं समझा सकता. तो आपको कहीं ट्रैकिंग पे जाना है, आपको कहीं पार्टीज वगैरह में जाना है, तो आपको एक जर्मन क्राउड में रहना तो आना चाहिए ना. अगर कम्युनिटी कम्युनिटी में ही रह जाओगे तो फिर पॉइंट क्या है, फिर तो अपने घर से क्यों निकले तुम. ओके, नॉट टू बी रेसिस्ट बट आपको ब्राउन लोग जब चाहिए ही वहां, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं. राइट. ओके, टॉकिंग अबाउट दैट, हाउ आर जर्मन? कंजर्वेटिव. इफ आई से वन वर्ड अबाउट जर्मन, इट्स कंजर्वेटिव. एक्चुअली यस यस, सी दोस्त बहुत धीरे धीरे बनते हैं जर्मन. okay. मतलब आप ऐसे नहीं होगा कि आप रैंडमली आज एक दिन मिले और एक ही दिन में, जैसे हम इंडिया में करते हैं, एक साथ में बैठने वाली बात होती है, मे बी टू ड्रिंक्स, मे बी वन सिगरेट, मे बी समथिंग, और उसके बाद वो अगले दिन से ऑलमोस्ट रेगुलर वाला वो हो जाता है ना. right. हाँ, दोस्त बन गए, चैटिंग चल रही है अपना, कुछ कुछ चल रहा है. जर्मनी में ऐसा नहीं है, दे गिव यू योर प्राइवेट स्पेस कम्प्लीटली, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें भी हमारी प्राइवेट स्पेस, हम आपसे आपकी प्राइवेट चीजें नहीं पूछेंगे, आप हमसे नहीं पूछ सकते. हाँ, स्लो एंड स्टडी, जैसे मेरे दोस्त हैं, जैसे मैंने जर्मन वगैरह बनाए, पहले पहले दिन से नहीं बने, धीरे धीरे बातचीत करना, 2-3 बारी मिलना, ऑलमोस्ट डेली कॉलेज में पास होते हुए एक दूसरे को हाय हेलो करना, बैठ के बातचीत करना, दैट्स हाउ यू मेक जर्मन फ्रेंड्स. ये चीज इंडिया में नहीं है. इंडिया में इट टेक्स यू लेस देन अ मिनट टू मेक अ न्यू फ्रेंड. आई एम मीटिंग अ कैमरामैन फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट राइट. ओके, नाउ यू हैव जर्मन फ्रेंड्स आई गेस. How many? Oh, I have a few. I mean, in my university, I can't count now. Huh? I have enough. Like, if you count as best friends, typical German best friends, I still have a list of 5-6 logon ki list hogi. I mean, 6 people.
और वो बेस्ट फ्रेंड्स बता रहा हूँ, नॉट इवन द ग्रुप दैट वी डांस टुगेदर और समथिंग लाइक दैट. क्लोज का ग्रुप है 5-6 तो यूनिवर्सिटी में मिल गए थे मेरे को. उसके बाद इंडियंस भी हैं बन जाते हैं. जब सी जब होम सिकनेस होनी शुरू होती है ना, व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग, देन यू नीड इंडियन. इंडियन ग्रुप बहुत काम आता है. सो आई एम नॉट सेइंग कि आप एकदम अलग हो जाओ इंडियन ग्रुप से. जाओ महीने में या फिर हफ्ते में एक बार ही बढ़िया, अरे भाई क्या हाल चाल, आओ खाना वाना खाते हैं, चलता रहता है. बिकॉज ऑफकोर्स आपको एक होम टच चाहिए. आप वहां पे होम सिक हो गए तो फिर वहां पे हेल्प करने के लिए आपके पास और कोई है ही नहीं. अकेले गए हो, अकेले रहना है. दोस्ती मिलते हैं, दोस्ती काम आते हैं. अब सबसे अच्छी चीज होती है कि दोस्त कोई शरीफ नहीं होना चाहिए. मतलब इंडियंस का तो मैं नहीं कह सकता, बट एज पर मेरे जर्मन दोस्त जो है, कोई भी शरीफ नहीं बोलूंगा मैं. नोबडी इज लाइक नाइव. बहुत एक स्मार्ट, उसमें एक स्मार्ट प्रेजेंस में रहते हैं. मतलब मोर ऑर लेस की एक आउटगोइंग कल्चर, मोर ऑर लेस एक सोशलाइजिंग वाला कल्चर. या अगर मैं पार्टी जा रहा हूँ तो इट माइट नॉट साउंड राइट बट इट्स इजियर फॉर मी टू पिक गर्ल्स व्हेन आई एम विद माय जर्मन फ्रेंड्स देन विद माय इंडियन फ्रेंड्स. ओके, इट बिकम्स दैट वे. दोस्त जो है मेरे, दे आर वेरी सोशियबल. मेरे को बहुत पुश करते हैं कि भाई जा तू बात कर, जा तू जर्मन में बोल, तू हमसे जर्मन में बात कर. उन्होंने जर्मन में पिकअप लाइन वगैरह सिखाना, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न कोई भी लैंग्वेज, राइट? आप ऑन स्ट्रीट सीख रहे हो, राइट? आप छोटी छोटी चीजों की, लोगों से कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है, कौन से डायलेक्ट में कब बोलना, ये चीज आप ऑन स्ट्रीट ही तो सीख पाओगे. क्लासेस आपको ये चीज नहीं सिखा सकती. क्लासेस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे देंगी, इसके अलावा तो आपको दोस्तों से सीखनी पड़ेगी. एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस देयर ऑफ लिविंग? इट्स ब्यूटीफुल. यूरोप, कम ऑन, यूरोप हैज नेवर फेल्ड टू अमेज मी. I've been to many cities now around Germany, many states now around Germany. Like Germany almost pura ghum liya maine. Uske alawa I've been to Poland, Czech, I've been to Netherlands, I've been to Spain. Ye sari cheeze cross karni padti hai and every place has something new. Every place has something new. And your favorite one? Oh, would be Netherlands and Spain. Out of them? Out of those both. Oh. See, if I'm going to chill, chilling, it would be Netherlands. And if I'm going to party and if I just have to step away, then Spain. Okay. Spain has a really good party culture. Like really, really good party culture. And Amsterdam and Netherlands have their own kind of, you know, their own kind of attractions. So you have been there with your group or alone? No. Alone travel I only did. Where did I travel? Only Germany, to be very honest. Outside of Germany, there have always been like with a group or something. In Netherlands, I spent New Year. Previous to previous year. Then Spain, I went with my company. My company took me on an all-expense-paid trip, like our whole department. All-expense-paid trip to Spain. For 3-4 days, we were there only. So that was one good thing. Yeah. Most of it is group. कितने साल हो गए तुम्हें जर्मनी में? जर्मनी मेरे को कितना साल हो गया? मैं मई में गया था, मई जून 2021. सो आई गेस 2.5 years. ओके, 2.5 years. या 2 साल 8 महीने. सो नाउ यू फेल्ट देयर लाइक होम? नो. व्हाई? नो, जर्मनी देखो ऑनेस्टली मेरी अगर राय सुनो, जर्मनी सेटल होने के लिए नहीं है. बट व्हाई? जर्मनी में आप पढ़ सकते हो यार. जर्मनी में देखो हमें इंडियंस को सेटल होने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले खाना पीना अच्छा होना चाहिए, है ना? लोग अच्छे होने चाहिए कि जिनसे बातचीत वगैरह करो. साफ सफाई तो यहाँ भी नहीं है, वहां तो मिल ही जाती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं. मेजर फैक्टर हमारा खाना और लोग वगैरह का सीन होता है. अब खाना वहां मैं खुद बनाता हूँ, मेरे हाथ का वो कैसा ही बनता है वो या तो मैं जानता या वो किचन जानती है मेरी. ठीक है, तो अब खुद से बनाना आफ्टर अ होल डे ऑफ वर्क, मतलब सुबह 9 बजे ऑफिस चला जा रहा हूँ, 6-7 बजे वापस आ रहा हूँ, आफ्टर दैट मेरे को किचन में खड़े होकर खाना वाना बनाना है, तो ये सब एक लाइफ सर्कल ना उसके बाद बंद हो जाती है. इंडिया में जैसे आप सपोज करो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, आफ्टर यहाँ पे मैं अगर 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ, 9 to 6 जॉब भी कर रहा हूँ, 6 बजे के बाद भी, नॉट इवन 6 बजे के बाद काउंट करो, 10 बजे के बाद भी अगर मैं निकल रहा हूँ तो भी एटलीस्ट एक जगह तो मुझे कहीं ना कहीं खाने की कोने पे मिल जाएगी. जहाँ पे इंडियन स्टाइल फूड मिल ही रहा होगा. वहां ये चीज नहीं है. वहां पे आपकी मार्केट्स बंद हो जाती है 6 से 8 बजे के बीच में, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो जाते हैं. ओके, कियोस्क खुले होते हैं लेकिन कियोस्क भी एक एक कहीं कहीं कोने में होते हैं किसी सिटी के. अब वो हर जगह तो ढूंढ नहीं सकते ना, राइट? तो ये सारी चीजें हो जाती है. रात के टाइम वहां पे बिल्कुल शांति भाई साहब, 10 बज गए, 10 बजे के बाद ऐसा लगता है ना इंसान है ना इंसान, कुछ है ही नहीं बात. But why?
they just believe that after 10 it's the silent hours. They believe ki 10 baje ke baad shor nahi karna. So there is no nightlife? Only in clubs. सिर्फ 10 बजे के बाद की जो अलॉटमेंट है वो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे की. फ्राइडे एंड सैटरडे आप 10 बजे के ऊपर तक का म्यूजिक बजा सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो ओनली अलाउड एट 12. 12:30 बजे के बाद आप अपने घर में म्यूजिक फ्राइडे सैटरडे में भी नहीं बजा सकते. अपने घर में भी? हाँ, लाउड वॉल्यूम में नहीं अलाउड होता, वो कोई ना कोई आपको नेबर बोल ही देगा. तो ये सारी दिक्कत. और इंडिया में ये चीज नहीं है, डीजे हर रोड पे लगा होता यहाँ पे ये चीज नहीं है. तो इसलिए सेटलमेंट, मेरे को देखो, मेरे को लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए सेटल होना, मनी इज ऑल्सो सेकेंडरी मैटर. मैं जर्मनी पैसे के लिए कभी गया ही नहीं था. तो मेरे लिए एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर सेटल होना होगा, इंडिया इज अ गुड प्लेस टू सेटल, श्योर. लेकिन नहीं होना होगा तो जर्मनी से कहीं और चला जाऊंगा. जर्मनी में सेटल नहीं हो सकता. ओके, मेरे लिए वो सेटलमेंट के लिए नहीं है. मन नहीं है, not staying in Germany. ये बहुत वो हो जाता है यार, it becomes stagnant. आप पूरा पूरा दिन क्या कर रहे हो? सुबह से शाम तक बाहर हो. विंटर्स के टाइम पे आपके 4 बजे अंधेरा हो जाएगा खिड़की के पास, 11 बजे तो उजाला होता है. Talking about winters, how is the scenario? I literally came from -10 degrees Celsius when I came here. And here people are saying it's cold at 15-16 degrees. Very cold. It's not. Like my, मेरे हाथ अभी भी बहुत ठंडे हैं. It's that cold. वो वहाँ पे था last month, I believe. Last month ही वहाँ पे snow storm आया था. We had like 17 inches of snow. और ये विंटर्स की बता रहा हूँ. विंटर शुरू होते ही more or less it becomes depressing. The entire country becomes depressing. मतलब the only colors you see outside are white and grey and black. Sure. That is the only color you get to see outside in nature. तो पहले पहले साल तो बहुत मजा आया कि भाई सब बर्फ गिर रही है. स्नो फेरी बना रहा था मैं बर्फ में लेट के. पहले पहले साल तो बहुत मजा आया, लेकिन जब वो कॉन्स्टेंटली वही रहा ना कि भाई तो बाहर जा अंधेरा ही दिख रहा है. सुबह कॉलेज गया था तो भी अंधेरा, बाहर निकला तो भी अंधेरा. मैं गया कहां, जिंदगी अंधेरा हो गई. जिंदगी अंधेरा हो जाती है. विंटर्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं वहां पे. मुझे तो नहीं पता विंटर. मैं तभी तो इंडिया आ गया, देखो विंटर्स आते ही. जब मैं आया तब भी स्नोफॉल चल रही थी वहां पे, बट मैं नहीं हो पाया. विंटर्स बहुत क्रेजी हो जाते हैं, बहुत बहुत क्रेजी हो जाता है. ऐसे ही एक महीना है अप्रैल का महीना. उस महीने में कुछ भी होता है. उस महीने का आप कोई सीजन डिफाइन नहीं कर सकते. उस अप्रैल के महीने में जर्मन में इट्स सेइंग है अप्रैल अप्रैल मार्क वास एविल्स, मतलब अप्रैल अप्रैल डज व्हाटएवर इट वांट्स. Okay. उस महीने में स्नो भी होती है, उस महीने में हमारे पास सनशाइन भी होती है, उस महीने में हमारे पास रेन भी होती है, उस महीने में हमारे पास बड़ी ऑटम सीजन भी चल रहा होता है. तो मिक्सचर ऑफ ऑल वेदर्स. मिक्सचर ऑफ ऑल वेदर्स. तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तुम्हें नहीं पता सुबह उठ के बारिश होने वाली है. हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है अप्रैल. हर चीज के लिए इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स टू कम फॉर द कंप्लीट वेदर टू चेंज. तो ये भी चीज है. विंटर्स तो जर्मनी की बहुत अजीब. मुझे किसी को भी नहीं पसंद आती honestly. I haven't seen a single person or talked to a single person who actually likes winters in Germany. So I guess ये तब तक ही रहता है हम इंडियंस के लिए, जब तक हम जर्मनी जाके वो बर्फ ना देख लें. वो पहली पहली बारी की पहला, बर्फ पहला प्यार. हाँ. वो पहली पहली जब बर्फ दिख गई ना, मोर और लेस ऐसा हो जाता कि ओ बर्फ 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 आई है. स्नोमैन बनाएंगे, स्नो फाइट करेंगे, स्नो फेरी बनाएंगे. लेकिन वो सिर्फ 1 से 2 दिन चलता है. उसके बाद जब डेली आपको डेली हर सुबह उठ रहे हो, आपको बर्फ में से चल के ऑफिस जाना है, डेली शाम को आपको बर्फ में ही वापस भी आना है. घर के बाहर आप जनरली जा नहीं सकते क्योंकि इतनी गंदी वेदर होता है, इतना ठंड होता है. यू नीड एटलीस्ट, मैं कम से कम 4 लेयर क्लोथिंग पहन के बाहर निकल जाता हूँ, इंक्लूडिंग वन ऑफ माई विंटर जैकेट्स. इट्स सो कोल्ड. बूट्स पहनने पड़ते हैं हमें, इतने इतने बूट्स होते हैं जस्ट बिकॉज हम स्नो में सर्वाइव कर पाए. तो विंटर्स आर क्रेजी, विंटर्स आर लिटिल क्रेजी. एंड समर, ओह दे आर नाइस. समर, स्प्रिंग, ओह एंड ऑटम, ये तीन. बाकी तीन ये जो है ना अमेजिंग लगता है. जर्मनी, जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन स्प्रिंग एंड ऑटम. एवरीथिंग बिकम्स गोल्डन, एवरीथिंग बिकम्स कलरफुल. बहुत अच्छा रहता है. समर्स में एवरीबॉडी इज आउटसाइड गोइंग टू स्विमिंग पूल्स, गोइंग टू पॉन्ड्स और लेक्स. एंड सबसे अच्छी चीज है, जर्मनी में कोई लेक में कूदने को मना नहीं करता. अगर तालाब है, पानी साफ है, कूद जाओ. हमारी यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को कूदा देते थे, जाओ 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 जाओ. फेंका तो नहीं किसी को? नहीं, फेंका नहीं.
क्योंकि एक्चुअली इट वाज नॉट दैट डीप, शैलो ही था, लाइक 3 से 4 फुट का रहा होगा वो, लाइक डक्स वगैरह घूम रही होती थी उसमें बढ़िया. तो ऐसे किसी दोस्त ने कभी बोल दिया होगा कि कूदते हैं लेट्स सी. वो भी ऐसे फिर ऐसे उसके बाद हाँ चलो 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 एक बार ही बोल दिया तो बोल ही दिया ना. Anybody says something in a group interesting, you know, everybody involves, everybody gets involved. This is the same step जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, सपोज करोगे एक तरफ से बोलना शुरू होता है, मैं बटर नान बटर नान बटर नान लच्छा पराठा लच्छा पराठा लच्छा ऐसे मोर और लेस भाई. एक जब डिबेट शुरू होती है तो उसके बाद कंटिन्यूस रहती है. इसके अलावा देयर आर सेफ्टी इश्यूज? Never saw any, no, no safety issue as such. मेरे जहाँ मैं टाउन में था, जहाँ मैंने पढ़ाई करी थी, the biggest crime I heard was कि किसी की साइकिल चोरी हो गई. हाँ, मेरे टाउन में the biggest one was किसी की साइकिल चोरी हो गई थी और वो बेचारा घूम रहा था कि साइकिल कहाँ है. तुमने तो नहीं चुराई थी? मेरे पास अपनी है, अपनी थी माउंटेन बाइक. एक बहुत ही मेन टॉपिक है रिसेशन, जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में. Is it affecting Germany? Or now Germany is expensive? So, true. Germany is actually getting expensive. अब देखो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई. इनके वॉर के बीच में हमारी गैस पाइपलाइन जो रशिया के साथ थी वो टूटी. अब जब गैस पाइपलाइन गई तो हमारे हीटिंग कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये सब इंक्रीज हुई. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नाना करके भी 10 से 15% का मार्जिन तो इंक्रीज हुआ होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कैन बी रॉन्ग, आप एक बार वो देख लेना. बट तो एक्सपेंसिव हाँ हो गया, रिसेशन आई वुड से हाँ है, बट उस हिसाब से अब आप काम भी कर सकते हो ना. मतलब ऑफ कोर्स अगर 10-15% आपकी लिविंग एक्सपेंसेस थोड़े से महंगे हो रहे हैं, आप अपनी उसके जॉब में इंक्रीज करवा सकते हो. ओके, सो इट इज नॉट अफेक्टिंग दैट मच. हां, इट इज ग्रोसरीज महंगी है. मतलब डेली जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, जो वहां के सेटल्ड अभी प्रॉपर नहीं है, जिनके पास फुल टाइम जॉब नहीं है, जो अभी भी ब्लॉक्ड अकाउंट पे चला रहे हैं या फिर मिनी जॉब है जो 500 यूरो समथिंग वाली वो चला रहे हैं, उनके लिए तो स्टिल एक्सपेंसिव है ना, क्योंकि उनका मंथ का एक्सपेंडिचर ही उससे बाहर नहीं जा सकता. राइट. और एवरेज एक्सपेंडिचर नंदलेस मेरा तो नाना करके 700-800 यूरो मंथ जाता ही जाता है. अब आपको मिनी जॉब में 500 समथिंग मिल रहा है, उसके ऊपर का आप ब्लॉक्ड अकाउंट से लगाओगे, इट इज एक्सपेंसिव ना. इट इज एनी हाउ एक्सपेंसिव. जब मैं गया था, व्हेन देयर वाज नो रिसेशन, आई यूज्ड टू फिनिश माय मंथली एक्सपेंसेस 500-600 यूरो, 600-700 tops maximum. आज के टाइम पे आई एम ऑलमोस्ट ब्रेकिंग लाइक पॉइंट इवन विद माय सैलरी, क्योंकि म्यूनिक में भी रह रहा हूँ ना. म्यूनिक थोड़ा ऐसे एक्सपेंसिव का साइड पे भी अकाउंट करता था. एंड हाउ इज म्यूनिक? इट्स अ क्लासी प्लेस. इट्स नॉट अ चिलिंग प्लेस, इट्स नॉट मोर और लेस सेटल, मतलब सेटलमेंट वाली प्लेस है. आपके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, अब आपको चाहिए, मेरा बिजनेस वगैरह हो गया, मैं अपना तमीज से थोड़ा एक जगह रहूंगा, तो म्यूनिक इज लाइक दैट. म्यूनिक में लेकिन एक चीज अच्छी है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल के हिसाब से सब कुछ मिल जाता है. मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग, आपको उस एरिया का सेक्टर में आपको इजिली कुछ भी मिल सकता है. ओके, तुम क्या प्रेफर करोगे, स्मॉल सिटीज और दीज बिग सिटीज? आई प्रेफर स्मॉल सिटीज. I prefer small towns because at least everyone knows everybody. आपकी एक इंडिविजुअल पहचान रहती है कि आप भीड़ में भी चल रहे हो कि अच्छा हाँ वो चेतन जा रहा, देखो वो यहाँ मिला था. म्यूनिक में इट्स नॉट सो. म्यूनिक इज अ वेरी बिग सिटी ना. कोई भी बिग सिटी पकड़ लो, उसमें आप एक बार ही अगर आप मार्केट क्रॉस करते हो, द सेकंड टाइम यू रिटर्न द एंटायर क्राउड चेंजेस. आपकी इंडिविजुअल पहचान तो बनी नहीं रही. सो नाउ टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, चूजिंग अ कंसल्टेंट इज राइट और doing everything by yourself, doing the procedure and go by yourself, what would you prefer? It completely depends on person to person na. See, applying and going to an international country, it's a lot of work. It's a lot of paperwork, to be very honest. Because I myself went to many different courts, many different you know, departments, just to get some paper signed, paper stamped internationally or something like that. I would say, as for me, I don't mind going to a consultancy for sure, because if your experience is nice, they, you've seen that yes, Germany has sent a couple number of people there, so you have a good track record. So I don't think ki problem hai jaane se, but bahut sare log prefer karte hai ki bhai sab ye struggle bhi hum pura khud hi kyun na dekhe. Yeah, I have seen students hai na, ki ab internationally jana, ab hum dekhte ki kaise kaise process chalta hai with yes Germany. Haan theek hai, transparent hai, lekin aap wo cheez nahi kar rahe na. कंसल्टेंसी इज डूइंग दैट फॉर यू. तो अगर आपको वो प्रोसेस जानना है या फिर वो प्रोसेस पसंद आता है कि कैसे कैसे प्रोसेस, बिकॉज इट्स हेक्टिक, इट्स वेरी वेरी हेक्टिक. वीजा की अपॉइंटमेंट मिलने मिलने में हालत खराब हो जाती है. वो बहुत हेक्टिक हो जाता है. बट कंसल्टेंसी से मैं कहूंगा आपका काम एटलीस्ट 50% डाइव हो जाता है.
आपको भागना तो स्टिल फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, वीजा ऑफिस भी आप ही जाओगे, आप पेपर कलेक्ट करने भी आप ही जाओगे, स्टैंपिंग के लिए भी आप ही जाओगे, लेकिन ये सब प्रोसेस के बीच का जो काम हुआ, जैसे यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना कि यहाँ आपको जाना है इतने बजे जाना है, ये सब आपको बना बनाया मिल जाता है। अगर आपको करना ही खुद से स्टार्टिंग से एंड तक तो कर लो, क्या दिक्कत है, मिल तो लोग हैं ऐसे करने वाले भी, लेकिन वो मैंने देखा वो अपने बाल नोच लेते हैं बहुत जल्द। हेक्टिक काम है ना, इट्स हेक्टिक। या मैं प्रेफर करता हूँ कंसल्टेंसी। ओके, सो थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइट एक्सपीरियंस एंड क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, जो भी तुम्हारे कहानियां थी। And I think, yeah, you are enjoying your life over there. I am. I plan to enjoy another 3-4 years. उसके बाद आ जाऊंगा वापस। No, it's good. Clarity होनी चाहिए life की ना। So you are very clear. So thank you so much for coming today. मैं इतनी होती ही नहीं यार, ऐसी मैं पता नहीं। इतनी नहीं थी मतलब कि इतनी outgoing या ऐसी type की मतलब तो गुस्सा दे इसको मेरे। मतलब मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ फैमिली से हूँ। मैं भी।